तो ये सरकार वो है जिस पे भरोसा जनता को नहीं है, किसानों को तो बिल्कुल नहीं है। मंडी बंद कर दी, मंडी बेच दी, और देखो कितने किसान पे गोले चल रहे हैं, आंसू के गोले चलाए जा रहे हैं। कितने की हत्या हो गई, आत्महत्या हो गई, कितनियों की जान चली गई, लेकिन इस सरकार को कोई परवाह नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता शमशान को बहुत पहले अपने भाषणों में कहते थे, हमें दुख है कि परिवार के लोग वहां गए और दुख में गए, इतनी पीड़ा में गए होंगे, जिनके परिवार के सदस्य जिन्होंने खोया, उन्हें क्या पता था कि जिस छत के नीचे वो बैठे हैं वो छत बालू की बनी है, वो भारतीय जनता पार्टी ने बालू की छत बनाई है। भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करोगे जो शमशान के पैसे को भी लूट ले, शमशान के भ्रष्टाचार करती हो, जो पार्टी शमशान के काम में भ्रष्टाचार करती है। क्या अधिकारियों पे कार्रवाई कर दी, कोई जिम्मेदार है उनकी मौत का, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद जिम्मेदार है। क्या मदद करें 2 लाख की, क्या हमने नहीं चैनल देखे, क्या आपने नहीं चलाया, क्या आप दिखाना चाहते हैं? और फिर हम तो ये जानना चाहते हैं कि गरीब को फ्री कब मिलेगा, 1 साल में सबको वैक्सीन हो जाएगी, 2 साल में, 3 साल में? सवाल ये बड़ा है कि गरीब को वैक्सीन कब तक मिल जाएगी, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में? और वैक्सीन के साथ साथ हमें भी और आपको भी मास्क पहनना पड़ेगा। जो प्रदेश की है उसका कार्यक्रम था, उन सब पदाधिकारियों का स्वागत का कार्यक्रम। हमारे व्यापारी साथियों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं कि लॉकडाउन के समय पर सबसे ज्यादा नुकसान उनका हुआ है, जो बैंक से सपोर्ट मिलना चाहिए था, जो उन्होंने लोन लिया था कारोबार करने के लिए, उस समय कारोबार नहीं हो पाया तो कोई सहयोग सरकार की तरफ से बड़ी पैमाने पर नहीं मिल पाया। बिजली का बिल भी उन्हें उस लॉकडाउन पीरियड का भुगतान करना पड़ रहा है जबकि कारखाना कारोबार नहीं हुआ है, जो फिक्स है वो भी देने पड़ रहे हैं। इसी तरह उनके सुरक्षा का सवाल है। सबसे ज्यादा लूट और बर्बादी अगर किसी की हुई है इधर उत्तर प्रदेश में तो हमारे व्यापारी भाइयों की हुई है, और कई उदाहरण हम दे सकते हैं जिसमें व्यापारियों की हत्या हुई, वो कैद थी कैमरों में। सरकार जब बनी बनी थी उस समय मथुरा की घटना सीसीटीवी में थी कैद कि किस तरीके से एक सुनार के यहां घटना हुई, जान ले ली गई, हत्या कर दी गई। सीतापुर की घटना सबको पता है, और अखबारों के माध्यम से और जानकारी जो संगठन के हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों ने दिया कि प्रतापगढ़ से एक व्यापारी परिवार यहां मुख्यमंत्री आवास में मिला था आकर के, और वापस गया तो उस परिवार की हत्या हो गई, वो सुरक्षा मांगने आया था। तो कोई व्यापारी अगर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच जाए और अपनी तकलीफ परेशानी कह दे, बता दे, और उसको तब भी सुरक्षा ना मिल पाए। इसलिए मैंने कहा है कि जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास समाजवादी सरकार में पुलिस रिस्पॉन्स सिस्टम बना था, आने वाले समय में अगर हमें व्यापारियों का डेटा रखना पड़ेगा, बाजार के हिसाब से कुछ चीजें रखनी पड़ेंगी, तो सरकार रखेगी, और व्यापारियों की पूरी सुरक्षा का इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। चाहे डायल 100 जो अब डायल 112 है उसमें विशेष सुविधा कहीं बनानी पड़े। तो मैं बधाई देता हूं व्यापार सभा के सभी पदाधिकारियों को कि उन्होंने बहुत अच्छा संगठन का काम शुरू किया है, और आज का दिन जो तय उन्होंने किया इसलिए हम उन्हें बधाई देते हैं कि जब चुनाव घोषित हुआ था तो 4 जनवरी को ही चुनाव घोषित हो गया था, और अब 1 साल है जब चुनाव घोषित हो जाएगा, और व्यापारी साथियों ने आज संकल्प लिया है कि आने वाले समय में बदलाव होगा और व्यापार भी बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे भी जाएगा, और जो तरक्की खुशहाली के काम हुए थे उनको फिर दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे। हमारे बगल में पम्मी जैन साहब हैं, ये बहुत कन्नौज से हैं, और कन्नौज के बारे में मैं इसलिए कहूँ कि उस लोकसभा ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्हें लोकसभा में भेजा, नेताजी को चुन करके भेजा,
हमें चुन करके भेजा, डिंपल उनको भी चुन करके भेजा। एक्सप्रेसवे बना, मंडी का काम अभी भी अधूरा है, मंडी नहीं बन पाई। लेकिन जो कन्नौज की पहचान है, कन्नौज का इतिहास बहुत शानदार रहा है। कन्नौज के इतिहास में वो चीजें दर्ज हैं कि सम्राट हर्षवर्धन ने ही कुंभ के मेले का आयोजन किया और सबसे ज्यादा जाते थे वहां, और जो कुछ उनके पास होता था वो सब दान करके चले आते थे। सम्राट हर्षवर्धन का वो इतिहास है और इत्र से जुड़ा। मैं खुद फ्रांस गया था, वहां जो इत्र की नगरी है, जहां सबसे ज्यादा ब्रांडेड, सबसे ज्यादा जो बड़ा काम होता है इत्र का, उनके लोगों से मिला, कैसे काम होता है, एसेंस कैसे क्रिएट करते हैं, उनसे मैं मिला था। और वहां के फार्मर से मिला था, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से मिला था। और वहां पर तय ये किया था कि एक बहुत सुंदर और अच्छा कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बने, प्रोसेसिंग सेंटर बने, और साथ ही में एक परफ्यूम पार्क बने। मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी कोई शौक है। इत्र का कारोबार कितना बड़ा है दुनिया में, उससे न जाने कितने किसान जुड़े होते। किसान फूल पैदा करता, मेहंदी पैदा करता, गुलाब पैदा करता, बेला पैदा करता, और उसी का अगर एसेंस निकाल करके इत्र बनता तो शायद न जाने कहां हमारा कन्नौज दुनिया के नक्शे पे दिखाई देता। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस काम को बिल्कुल बंद कर दिया। वो इसलिए बंद कर दिया कि समाजवादी सरकार ने शुरू किया, लेकिन वो सरकार भूल गई है कि ये काम किसानों के लिए था, व्यापारियों के लिए था, ये समाजवादी पार्टी का सवाल नहीं था। और याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी मलियाबाद के मंडी की बात कहे थे, मंडी रोक दिया काम। उन्होंने इत्र की बात कही तो इत्र का काम रोक दिया। तो ये सरकार वो है जिस पे भरोसा जनता को नहीं है, किसानों को तो बिल्कुल नहीं है। मंडी बंद कर दी, मंडी बेच दी, और देखो कितने किसान पे गोले चल रहे हैं, आंसू के गोले चलाए जा रहे हैं। कितने की हत्या हो गई, आत्महत्या हो गई, कितनियों की जान चली गई, लेकिन इस सरकार को कोई परवाह नहीं। और फिर भारतीय जनता पार्टी के भाषणों में शमशान का रिश्ता तो बहुत पुराना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शमशान को बहुत पहले अपने भाषणों में कहते थे, हमें दुख है कि परिवार के लोग वहां गए और दुख में गए, इतनी पीड़ा में गए होंगे, जिनके परिवार के सदस्य जिन्होंने खोया, उन्हें क्या पता था कि जिस छत के नीचे वो बैठे हैं वो छत बालू की बनी है, वो भारतीय जनता पार्टी ने बालू की छत बनाई है। भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करोगे जो शमशान के पैसे को भी लूट ले, शमशान के भ्रष्टाचार करती हो, जो पार्टी शमशान के काम में भ्रष्टाचार करती हो। क्या अधिकारियों पे कार्रवाई कर दी, कोई जिम्मेदार है उनकी मौत का, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद जिम्मेदार है। क्या मदद करें, 2 लाख की आपको 50-50 लाख रुपए देना चाहिए, क्योंकि आप शमशान को बहुत ज्यादा याद करते थे। और कोई घटना पहली नहीं हुई है, बनारस में भी इसी तरह घटना हुई है। बनारस में भी लोग की जान चली गई थी, उस समय भी हमने मांग की थी कि उन परिवार के लोगों की मदद हो, लेकिन सरकार ने क्या मदद की उनकी। वो फ्लाईओवर गिर गया, क्या था उसका, कौन जिम्मेदार था, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार थी। और जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, कई जगह, कुछ जगह तो गिरा, कुछ चीजें ऐसी बनी हैं जिसमें कोई क्वालिटी का मापदंड नहीं रखा गया है, चटक गई हैं वो चीजें। इसलिए कोई दोषी है, और शमशान में जो जितनी 25 के लगभग संख्या बता रहे हैं कि लोगों की जान गई है, भारतीय जनता पार्टी खुद जिम्मेदार है उनकी मौत के लिए। आप पूरा समाजवादी पार्टी, और मैंने जो कहा वो पूरा आप दिखाइए, आपको पूरा दिखाना चाहिए था। समाजवादी पार्टी या मेरा खुद का बयान किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी वॉलंटियर जो लोग उसमें शामिल हुए हैं, चाहे वो किसी तरह के एक्सपर्ट्स हों, उन पर किसी पे सवाल नहीं है। सवाल भारतीय जनता पार्टी पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो फैसले लिए हैं वो फैसलों पर जनता को भरोसा नहीं है। क्या हमने नहीं चैनल देखे, क्या आपने नहीं चलाया, क्या आप दिखाना चाहते हैं। और फिर हम तो ये जानना चाहते हैं कि गरीब को फ्री कब मिलेगा, 1 साल में सबको वैक्सीन हो जाएगी, 2 साल में, 3 साल में, सवाल ये बड़ा है।
कि गरीब को वैक्सीन कब तक मिल जाएगी, एक साल में, दो साल में, तीन साल में। और वैक्सीन के साथ साथ हमें भी और आपको भी मास्क पहनना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी केवल सजावटी काम करती है, भारतीय जनता पार्टी केवल इवेंट का काम करती है, इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है, हर चीज को मैनेज करते हैं। कैसे मैनेज हो जाए इसलिए करते हैं। हमारे कितने किसान इतने दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, वो सरकार से एमएसपी मांग रहे हैं, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और यही सरकार वो है जिसने किसानों से कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे। अगर आप आय दोगुनी करना चाहते हैं तो अभी आपको मौका मिला है, किसानों को खुश कर दें। और इसी तरह जो सवाल आपने पूछा है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने की बात हुई थी तो इसी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से वर्चुअली उद्घाटन किया था, तारीफ की थी कि सरकार ने कितनी नौकरी दे दी। और मैं चाहूंगा, ये जब सवाल आपने उठाया है तो अभी हाल में ही एक टीवी इंटरव्यू में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, कहा कि 3 लाख नौकरी दी, फिर 4 लाख नौकरी दी, फिर कहा हमने इतनी नौकरी दे दी और हमने 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे दिया। अगर इन्होंने वाकई में इतनी नौकरी और रोजगार दिए होते और इतना इन्वेस्टमेंट जो कह रहे हैं वो आया होता, तो शायद उत्तर प्रदेश का एक भी नौजवान आत्महत्या नहीं करता। और ये केवल पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को कैसे परेशान करें, इनकी सरकार के खिलाफ कौन खबर बना रहा है उसको कैसे परेशान करें। इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर भी इनके हाथ में नहीं है। उस लॉ एंड ऑर्डर जिस सरकार के हाथ में नहीं है, वो कैसे इन्वेस्टमेंट लाएगी? क्या जौनपुर की घटना मामूली है? एक बच्ची की हत्या हो गई, फरौती मांगी गई, कोई मामूली घटना ही है? नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, इनके कान में नहीं जा रही आवाज। वो महोबा में समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता गए थे, सब जिन किसानों ने आत्महत्या की थी अपनी जेब से विधायक एमएलसी मदद करके आए थे, सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की महोबा में, मजदूर मर गए। बताओ, चलते चलते मजदूर मर गए, किसी एक मजदूर की मदद नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। बताओ किसी एक मजदूर की मदद की हो भारतीय जनता पार्टी ने, तो बताओ हमें। आप 90 से ज्यादा मजदूर मरे, उन सब की मदद समाजवादी पार्टी ने की। मुझे दुख इस बात का है कि एक मां जो अपने बच्चे को सूटकेस पे लेकर के जा रही थी, उसका हमें पता नहीं मिला। उस पत्रकार जिसने खबर बनाई थी, सबसे पहले मैंने संपर्क उस पत्रकार से भी करवाया था, उस पत्रकार को भी नहीं पता था कि ये खबर इतनी बड़ी बन जाएगी, तो उसके पास कोई डेटा, कोई उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। मैंने वहां के जिलाधिकारी महोदय से कहा कि शायद हमें दे दो उसका नंबर, तो हम मदद कर लें। जितने उत्तर प्रदेश के लोगों की जान गई, उन सब की मदद समाजवादी पार्टी ने 1-1 लाख से की है। और हाल में ही अभी जौनपुर का एक ऑटो खरीदा था, जो ऑटो से वो आ रहा था तो उसकी घटना दुर्घटना हो गई थी, और उस दुर्घटना में उसकी पत्नी और बच्ची मर गई थी। उसकी भी मदद अभी मैंने अबू आसिम आजमी साहब से कहा कि आप इसकी भी मदद 2 लाख से करिए, क्योंकि उसका ऑटो जिससे वो आ रहा था लेकर के, वो उसने बैंक में किस्तों पर लिया था। तो सोचिए, इतने दुख की बात। एक महिला ललितपुर की जो पैदल चल करके आई थी 1000 से ज्यादा किलोमीटर, गर्भवती थी, बच्ची पैदा हुई, उसके बाद आराम कर करके 2 घंटे बाद फिर चल दी। इस सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। बताओ, सोचो, न जाने कितने लोग बॉर्डर पे पड़े रहे भूखे प्यासे। तो क्या उम्मीद करोगे ऐसी सरकार से? इसलिए सवाल बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी सही मुद्दे पे बहस नहीं करना चाहती है, जैसे बहुत चीजों का लाभ लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, हर चीज का लाभ लेना। मैं चाहूंगा वो नौकरी वाला वीडियो अगर हो तो उसको जरूर स्क्रीन पे प्ले करें, आप देखें, और उसके बाद मेट्रो वाला भी सुनाइए। कम से कम मुखर्जी का सुनिए तो सही आप, कि मेट्रो उन्होंने चलाई है सब। अरे गोरखपुर में चला दो, अपने झांसी में चला दो, मैं आपको बधाई देने खुद आ जाऊंगा। गोरखपुर में नहीं चला पा रहे, बताओ मेट्रो? आप खुद सुनिए नौकरी को लेकर के, और गिन के बताइए कितनी नौकरी दे रही है खुद। उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े बताते हैं, 2 करोड़ से ऊपर हैं जिनको किसान सम्मान राशि मिलनी है अकाउंट में। हम समाजवादी लोग 500 रुपये कहा करते थे समाजवादी पेंशन को, साल का 6000 नहीं बोलते थे। ये वही नकल करके भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को दी है।
अकाउंट भी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने खुलवाए थे अगर आपको याद हो तो। हम चाहेंगे कि सरकार किसानों को पहुंचाए उनके अकाउंट में। तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने राय दी है अपनी, तो ये जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार सामने आए उन बातों को दूर करे। और हमारा ये मानना है कि सरकार ये बताए कि गरीबों को वैक्सीन कब तक लग जाएगी और क्या फ्री लगेगी कि नहीं लगेगी। और सरकार के पास चार्ट क्या है? मान लीजिए दुनिया में दूसरे मुल्क हैं, उन्होंने कहा कि पहले ये लगेंगे, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा, 80 इयर्स के लोग हैं, फिर 70 इयर्स के हैं, 60 इयर्स हैं, तो प्लान क्या है सरकार का? तो हम तो चाहेंगे कि पहले प्रेस को लगे। तो सब जानकारी मिले, क्योंकि आप कितना फेस किए हो, मतलब ये सीरियस बात कह रहा हूं मैं आपसे, कि आप लोग उस दौरान जब कोविड था उस समय भी आपने जोखिम उठाकर के कवरेज की है, और आप में से कुछ लोगों की जान चली गई जो बहुत कम उम्र के थे। समाजवादी सरकार होती तो उस परिवार की पूरी मदद करती, और आप इस बात को जानते हैं, और न जाने कितनों के परिवारों की जान चली गई। थोड़ी बहुत हम मदद कर सकते थे, की हमने कुछ लोगों की, लेकिन हमारी भी मदद की एक सीमा है, हम उससे बाहर थोड़ी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए तो हम चाहेंगे अगर सरकार उत्तर प्रदेश की तय करे तो सबसे पहले प्रेस की करे। नहीं, क्योंकि कोई बात मैं कह दूंगा उसको भारतीय जनता के, क्योंकि गवर्नमेंट मैं आपको नहीं करता हूं, मैं आपको कंट्रोल नहीं करता हूं, इसलिए उतना ही दिखाएंगे जो सूट करेगा किसी को। अगर यही बात है तो भारतीय जनता पार्टी को पहले लगाना चाहिए। सवाल हमसे मत पूछिए ना, सरकार क्या तय कर रही है वैक्सीन, कोई सरकार को तय करना है। जिस तरीके से दुनिया में लोगों ने एक शेड्यूल बनाया, एक चार्ट बनाया है कि सबसे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, या जो भी है, जो भी तरीका अपनाया है, तो उसका कोई प्रोटोकॉल होगा, वो बताएं कि क्या प्रोटोकॉल है। अगर उस प्रोटोकॉल में आते हैं हम, तो हमसे आप सवाल करना। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।